लोग चलो सो गाइस आ जाओ हमारे सेंचुरी का मकबरा। तो मैं आपको अंदर चल के सारी चीज़ें विजिट करवाता हूँ, सेंचुरी का मकबरा है कैसा और अंदर क्या क्या चीज़ है। तो लेट्स गो गाइस, जितना पॉसिबल हो सके मैं उतना शूट करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं गाइस अंदर, आपको दिखाता हूँ। पवित्र गीता की जन्म स्थली कुरुक्षेत्र सिर्फ महाभारत शक्तिपीठ और दूसरे हिंदू धर्म स्थलों के लिए ही नहीं बल्कि शेख चिली के मकबरे के लिए प्रसिद्ध है। देश के प्रमुख राष्ट्रीय स्मारकों में शुमार यह मकबरा भारत के राज्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर में स्थित है और यह मकबरा इतना प्रसिद्ध है कि इसे हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है। और तो और पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा इसे संरक्षित धरोहर भी किया गया है। यह एक आध्यात्मिक गुरु और सूफी संत हजरत शेख चिली का है जो सूफी संप्रदाय के ईरानी संत थे जिनका नाम अब्दुल उर रहीम था जिनको शेख चिली के नाम से जाना जाता था। यह मकबरा कुरुक्षेत्र के बाहरी इलाके में एक टीले पर बनाया गया है जिसमें मुगल कला की झलक बखूबी देखी जा सकती है, जिसको बनाने में लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। सो गाइज यहाँ पर आप शेख चिली मकबरे के अंदर आप म्यूज़ियम देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सालों पुरानी यहाँ पर चीज़ें पड़ी हुई है जैसे कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफी सालों पुराना टूटा हुआ मटका जिसके टुकड़े बिखरे पड़े हैं यहाँ पर। सो गाइस आपको काफ़ी साल पुरानी यहाँ पर मूर्ति भी देखने को मिलेगी जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें। इमारत के गुंबद और कलाकृति में संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। इसके अंदर एक तहखाना है जिसमें 6 कब्र है जिनमें से एक शेख चिली की है। इमारत में 9 मेहराबे और 12 छतरियां हैं। इमारत पर की गई कलाकारी पर्शियन प्रभाव की लगती है। अपनी अनूठी और सुंदर वास्तुकला के लिए इस इमारत को ताजमहल के बाद दूसरा स्थान दिया जाता है। लोग गाइज इस मकबरे को दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। सो गाइज इसका टिकट प्राइस है 20 रुपीज़ जो आपको ऑनलाइन पे करना पड़ेगा, ओनली पेटीएम से पे करना पड़ेगा और आपको ऑनलाइन टिकट मिलेगी अंदर जाने के लिए। तो गाइस आप बात करते हैं शेख चिली का मकबरा किसने बनाया था। मुगल बादशाह शाहजहां का बेटा दारा शिको शेख चिली का शिष्य और एक प्रशंसक था। बताया जाता है शिको ने शेख चिली के जीते जी इस इमारत को बनाया और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें इसी इमारत के नीचे तहखाने में दफना दिया जिससे इसका नाम शेख चिली के मकबरे के नाम से मशहूर हो गया। सो गाइस आप ये शेख चिली का मकबरा देख सकते हैं जो काफ़ी खूबसूरत है, जिसे 1650 ईस्वी में दारा शिको ने बनवाया था। गाइस ये आज का व्लॉग एंड करता हूँ। होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में। ओके टेक केयर, टिल देन बाय गाइस।